आज हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा कंडीशनल कनेक्टिव जो है बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम डबल डबल साइडेड एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मैंने वही एग्जांपल लिया, इफ आई गो टू स्कूल देन आई प्ले चेस, लेकिन मैंने इसमें दूसरी कंडीशन भी लगा दी, इफ आई प्ले चेस देन आई एम एट स्कूल। मतलब कि अगर एक कंडीशन है तो उसका गारंटीड कि दूसरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू है तब ये ट्रू होगा। और इसको ये पी डबल डैश क्यू है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी से क्यू एंड क्यू टू पी एस। तो इसके ट्रुथ टेबल थोड़ा थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन कोई इसमें हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। वे टू वे देखते हैं, पी क्यू, ठीक है, पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो पी टू क्यू ट्रू होगा और क्यू टू पी भी ट्रू होगा, दोनों कंडीशन ट्रू है। पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, बराबर। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है इसलिए ट्रू होगी। इसमें पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स होगा। मोर ओवर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो दोनों बार ट्रू, इसमें ये ट्रू होगा क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, क्यू टू पी एम देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। लास्टली पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो पी टू क्यू तो फॉल्स ही होगा, लेकिन क्यू टू पी ट्रू होगा क्योंकि उसकी फर्स्ट कंडीशन क्यू है, क्यू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखिए, तो ये ट्रू होगा। अब हमें इन दोनों का एंड लगा के हमें इसको सॉल्व करना है, बराबर। हम इधर ये एक टेबल बनाते हैं। अब एंड हमने देखा था जब दोनों ट्रू हो तभी ये ट्रू होगा, तो ये ट्रू है। एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, एक भी फॉल्स हो तो इसमें दोनों ट्रू है तो इसलिए ट्रू होगा, एक भी फॉल्स हो, एक भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा एट द एंड ट्रू टेबल ये बनेगा।